खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि बिल आखिर 3 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी हो गई है। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं, तो आज की इस वीडियो को आपने कहीं पे भी स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहा हूँ की बिल आखिर 3 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी हो गई है। इस बारे में मोहम्मद आमिर ने खुद आकर बड़ा ऐलान किया। आपको मुकम्मल वीडियो बयान सुनवाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मोहम्मद आमिर के फैन है और मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। इसके साथ साथ अगर आप मोहम्मद आमिर के फैन है और मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलता हुआ देखना चाहते हैं तो आपने कमेंट बार में लिखना है यस। अगर आप मोहम्मद आमिर के फैन नहीं है और मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलता हुआ नहीं देखना चाहते तो आपने कमेंट बार में लिखना है नो। लेकिन आप सबने कमेंट जरूर करना है, मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के जराए का कहना है की मोहम्मद आमिर अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कम बैक करने का सोच रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से छुट्टी होने वाली है और नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन बनने वाले हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कमबैक करने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाते ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा की भी छुट्टी कर दी जाएगी। उसके बाद नजम सेठी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाएगा और नजम सेठी और मोहम्मद आमिर के अच्छे ताल्लुकात है। नजम सेठी के साथ ताल्लुकात ही की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कमबैक किया था।